हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे पहला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि जो पेड सिविल होता है और जो फ्री सिविल होता है उस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि किस तरीके से जो आप फ्री सिविल चेक कर सकते हैं, वो भी ट्रांस यूनियन की वेबसाइट पर जाके। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस साल से सिविल ने एक नया अपडेट किया है और उस अपडेट से आप लोगों के सिविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग आज तक अपना पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिविल अपडेट से। और दूसरी बात, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिन्होंने भी फिलहाल एक साल या दो साल से कोई फाइनेंस कराया हो, और उनके सिविल में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उन्होंने पेमेंट टाइम टू टाइम किया है। ठीक है, इससे उन लोगों को इम्पैक्ट होने वाला है कि जिन्होंने 2017 में फर्स्ट टाइम कोई चीज फाइनेंस कराई हो। मतलब मैं 2016 की बात नहीं करूंगा, मैं 2017 के स्टार्टिंग से बताता हूं आपको। मान के चलिए कि 2017 के स्टार्टिंग में जनवरी में आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, 5 महीने आपने उसका पेमेंट टाइम टू टाइम किया, 7वें 8वें महीने में जाते जाते आप उस कार्ड का डिफॉल्ट करने लगे और आपने उसको लास्ट 2017 के लास्ट में जाके आपने उसका सेटलमेंट करा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब सेटलमेंट आपने करा लिया, सोचा चलो यार इससे छुटकारा तो मिला। फिर आपने क्या सोचा कि एक लोन अप्लाई करता हूं, जैसे मान के चलिए पर्सनल लोन आपने अप्लाई करा। अब पर्सनल लोन आपने अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया और बैंक वाले आपको बोलते हैं कि सर आपका सिविल में दिक्कत है इसलिए आपका ये जो है रिजेक्ट हो गया लोन। तब आप सोचते हैं कि यार अब मैं सिविल कैसे ठीक करूं। तो सिविल आप ठीक करने के लिए जाहिर सी बात है कि एक ही उपाय है, आगे आने वाले जो पेमेंट है वो आप टाइम टू टाइम करें। ओके, आप मान के चलिए कि आप 2-3 महीने बाद आपने क्या करा, एक चीज फाइनेंस कराई, उसका पेमेंट आप टाइम टू टाइम करते रहे। 18 में भी पूरा टाइम टू टाइम पेमेंट किया, 19 में भी टाइम टू टाइम पेमेंट किया और 20 तक आते आते आपका सिविल में थोड़ा सुधार होने लगा। अब सिविल ने इस तरीके का अपडेट कर दिया कि आपको दोबारा से उन्होंने 2017 में आपको लेके चली गई है। मतलब पहले क्या होता था कि दो साल का रिकॉर्ड देख के सिविल आपका जो अपडेटेड सिविल होता था वो अपडेट करती थी। अब क्या हो गया है कि आपको पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक करिए। आपको पता है कि मैंने जो भी वीडियोस बनाए वो लाइव प्रूफ के साथ बताए हैं आप लोगों को, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके सिविल में। बस जो मेल था वो सिविल की तरफ से आया था, सिविल इन्फो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इन्होंने मेल मेरे को ये किया था कि आपका जो सिविल है वो क्यों डिक्रीज हुआ। तो आप थोड़ा इसको, ये जो 1, 2, 3 पॉइंट है इसको इस तरीके से देखिए, 3, 1, 2। थर्ड पॉइंट में देखेंगे मेरा फरवरी तक जो सिविल था वो 771 था और फर्स्ट में देखेंगे वो 732 हुआ। फिर उसके बाद अभी जो मेरा अपडेटेड सिविल है वो 744 है। इन्होंने ये भी मेरे को बताया कि क्यों ये ऐसा हुआ है। इनका अगर आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो फर्दर वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डैट वी हैव अपग्रेड सिविल स्कोर चेंजिंग द स्कोर। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है विच मे बी सीन योर सिविल स्कोर चेंजिंग, द स्कोर इज नाउ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 36 मंथ क्रेडिट हिस्ट्री। दिस चेंज इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंज्यूमर्स एंड मोर देन 90% ऑफ मेंबर ऑफ बैंक्स। वी हैव ऑलरेडी मूव टू द न्यू वर्जन एंड इट इज़ द रेस्ट आर इन द प्रोसेस। तो इसी के कारण मेरा जो सिविल है जो पहले 2020 तक फरवरी तक 771 था, अब वो 744 हो गया है। क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने 2017 में, मतलब आप 3 साल बैक अगर वो लोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो 2017 में जो मेरे से डिफॉल्ट हो गया था तो उसके कारण से मेरा सिविल ये डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से जो मेरा सिविल था वो 771 था फरवरी 2020 तक और अब जो मेरा सिविल हो गया वो 744 हो गया है। तो मैंने ट्रांस यूनियन के कस्टमर केयर पे बात किया और मैंने उनसे पूछा कि जो मेरा ये सिविल है ये क्यों डिक्रीज हो गया, मेरा तो काफी अच्छा सिविल था अभी 1-2 महीने पहले तक। तो उन्होंने यही मेरे को बात बताई कि सर अभी एक नया सिस्टम अपडेट हुआ है, इस कारण से हो सकता है कि आपका सिविल डाउन हुआ हो। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपने क्या कभी पास्ट में कोई डिफॉल्ट किया था या कोई लेट पेमेंट किया था। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मैंने 2017 में एक क्रेडिट कार्ड लिया था जिसका मैंने मिनिमम ड्यू पे करता था। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि इसी के कारण से आपका सिविल डाउन हुआ। तो मैं बेसिकली बता देता हूँ कि आपको हुआ क्या था कि मैंने 2017 में एक SBI का क्रेडिट कार्ड लिया था, उसका सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करता था, तो इसलिए मेरा जो सिविल था उस टाइम में काफी ज्यादा डाउन हो गया था। और उसी साल मैंने फिर एक लोन अप्लाई किया तो वो लोन मेरा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने बैंक से पूछा कि सर ये मेरा लोन किससे रिजेक्ट हो गया, तो उन्होंने बोला कि जो आपका सिविल है वो काफी कम है। तो मैंने पूछा कि कितना है मेरा सिविल, तो उन्होंने बताया कि 692 अभी आपका सिविल चल रहा है।
तो फिर मैंने सोचा कि सर कैसे सुधारा जाए, मतलब क्या किया जाए इसके लिए। तो बोला कि सर देखो, जो भी फ्यूचर का अगर आपका जो पेमेंट है या जो भी आप लोन लोगे या फाइनेंस कराओगे कोई भी चीज, छोटा मोटा चीज भी, तो आप उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए, आपका सिविल अपडेटेड हो जाएगा। तो मैंने जो भी फाइनेंस करवाया 2017 में भी, 18 में भी, 19 में भी, तो मैंने उसके सारे टाइम टू टाइम पेमेंट किया और जो मेरा सिविल हो गया वो 771 हो गया। लेकिन दोबारा से मेरे को सिविल ने लाके फिर से 744 पे पटक दिया। अब वही कि जो मैंने 2017 में गलती की थी अब वो भी काउंट हो गई इस साल। तो इसलिए क्या हुआ कि मेरा जो सिविल है वो डिक्रीज हो गया। तो मैं आपको यही बोलूंगा दोस्तों कि अगर आपका भी सिविल अगर इस साल डिक्रीज हो जाए तो समझ जाइए कि यही प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी पूछना है ट्रांस यूनियन से, अगर आपको सिविल से रिलेटेड, तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे वहां का नंबर आपको दे दूंगा, आप वहां पर अभी बात भी कर सकते हैं। लॉकडाउन है तो भी आप उनसे बात कर सकते हैं, मैंने कल ही उनसे बात की थी। तो उससे अगर आपको कोई सिविल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।